नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यूज अपडेट पर पे स्वागत है। साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया ओडीआई सीरीज की शुरुआत होने वाली है। दोनों देश के बीच टोटल 3 ओडीआई मैच के मुकाबले खेले जाएंगे। फर्स्ट ओडीआई मैच का मुकाबला लखनऊ में, सेकंड ओडीआई मैच का मुकाबला रांची में खेला जाएगा, वही थर्ड या अंतिम ओडीआई मैच का मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का ओडीआई रिकॉर्ड क्या है, यहाँ पे भारतीय टीम का ओडीआई रिकॉर्ड क्या है, दोनों टीम की क्या प्लेइंग 11 है, मैच विनर टीम कौन सी रहने वाली है, पिच दोस्तों मीडियम पेसर फास्ट बॉलर या स्पिनर्स का साथ देगी या बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहेगी, सब कुछ आपको विस्तार से मिलने वाला है। वीडियो को बिना स्केप के एंड तक देखें। मेरा नाम है जगदीश और आप देख रहे हो न्यूज अपडेट पाली यूट्यूब चैनल। यहाँ पे दोस्तों आपको ओनली क्रिकेट मैच प्रिडिक्शन के वीडियो मिलते हैं। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे भी आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल का नेम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वहीं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। ग्राउंड का ओडीआई रिकॉर्ड देख लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ओडीआई के अभी तक मात्र 3 मैच के मुकाबले खेले गए। फर्स्ट बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 1 मैच में, वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मैच में जीत दर्ज की है। यहाँ पे ओडीआई में फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर 230 रन है। बात की जाए हाई स्कोर की, हाई स्कोर यहाँ पे दोस्तों अफगानिस्तान टीम के नाम 249 रन है, वही लो स्कोर भी अफगानिस्तान टीम के नाम 194 रन है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पिच की बात की जाए तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ का पिच ओवरऑल बैलेंस्ड है। यहाँ पे दोस्तों बल्लेबाजों को थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। यहाँ का पिच काली मिट्टी से बना हुआ है, जिससे दोस्तों फास्ट बॉलर्स को उछाल मिलेगा, गेंद स्पिन होने की उम्मीद भी कर सकते हैं। मैच के शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को गति मिल सकती है। मैच के शुरुआती 15 से 20 ओवर के बाद में बल्लेबाजी करना काफी आसान होगा। टॉस विनर टीम यहाँ पे दोस्तों आपको पहले बॉलिंग करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्कोर को चेस करना आसान होगा। फर्स्ट ओडीआई मैच में फर्स्ट इनिंग्स के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम 280 से 300 के बीच का स्कोर बनाती नजर आ सकती है। इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका दोनों टीम के बीच ओडीआई रिकॉर्ड देखे तो दोस्तों आपको बता दें कि दोनों टीम ओडीआई में अभी तक टोटल 87 बार आपस में खेल चुकी है। टीम इंडिया ने 35 मैच में जीत दर्ज किए, वही साउथ अफ्रीका टीम की दोस्तों 49 मैच में जीत हो चुकी है। दोनों टीम के बीच 3 मैच नो रिजल्ट में रह चुके हैं। आपको बता दें कि दोनों टीम के बीच फर्स्ट ओडीआई मैच का मुकाबला 1991 में खेला गया था, वहीं अंतिम ओडीआई मैच का मुकाबला 2022 में खेला गया था। ओडीआई मैच को आप लाइव देखना चाहते हो तो लाइव आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे देख सकते हो। इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई मैच में दोनों टीम की प्लेयर लिस्ट भी देख लेते हैं। भारतीय टीम की ओर से आपको शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन, आवेश खान, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, रवि बिश्नोई खेलते हुए दिखाई देने वाले। साउथ अफ्रीका टीम की ओर से टेम्बा बाउमा, डेविड मिलर, जानेमन मालान, कविंटन डिकोक, हेनरिक कलासेन, केशव महाराज, तबरेज शम्सी पर बड़ा खेलते हुए नजर आने वाले। दोस्तों आने वाले मैच की बिल्कुल सटीक एक्यूरेसी के साथ कंफर्म रिपोर्ट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारा प्रिडिक्शन कहता है कि ओडीआई सीरीज के फर्स्ट ओडीआई मैच के मुकाबले में साउथ अफ्रीका टीम की जीत होने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, किस टीम की जीत हो सकती है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे भी आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए।